सुकुमारी फूल फूल ओ पीर लोहारी है सुल्तान। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन यह मत सोचना कि किसके साथ क्या हो रहा है। सिर्फ अपना ही फायदा देखना, सिर्फ अपना, इसी में तेरी भलाई है। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आगे चाहता हूं, शंभू की बेटी की शादी है, मुझे वहां पहुंचना है। जाओ, अब सब कुछ तुम्हारे ही मुताबिक होगा। धन्यवाद, कल्याण हो। नमस्ते, आइए। वेटर, वहां सर्व करो, जाओ। बेटी की शादी की बहुत मुबारक हो भाई साहब, ये लीजिए। हमारी बड़ी बेटी तो आप ही के घर जाने वाली है, और हम लड़की वाले तो समधी के घर का पानी तक पीना पसंद नहीं करते। भाई साहब, गुड़िया आपकी नहीं, मेरी बेटी भी है, और ये मैं मेरी बेटी के लिए लाई हूँ, लीजिए। माँ जी, जीती रहो बेटी। बहुत बेचैन हो रवि के लिए, मैं उससे कह दूंगी शादी के लिए जल्दी तैयार हो जाए, हमारी होने वाली बहू बहुत बेकरार है। ओ माँ जी। हेलो अंकल, मुबारक है। आए, रिकी, आओ, 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 आओ। भाई, तुम्हारे होने वाले ससुर श्री विशंबरनाथ जी कहाँ हैं? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं अंकल? पहले वो आप दोनों के पार्टनर हैं, बाद में मेरे होने वाले ससुर हैं। तो कहते ना कि नया 9 दिन का और पुराना 100 दिन का। लड़का समझदार, बिल्कुल। हाय रिकी, बलदेव,
नॉट जस्ट बलदेव, बलदेव खटाखट खटाखट की कम एंड जॉइन द मैरिज पार्टी। सॉरी अंकल, खटाखट फटाफट। शंभू तुम्हारा भतीजा बड़ी चीज है। खटाखट चीज है? नहीं भैया, ससुर जी आने वाले हैं। अरे यार सुन, कविता नजर नहीं आ रही। वाह बेटे वाह, शादी से पहले ही गर्मा गर्म मुलाकात है। हा? अरे भाई मंगेतर है हमारी, अब तो लाइसेंस मिल चुका है। हाँ मगर लर्निंग, आगे पीछे एल लगा के घूमते फिरो, सवारी नहीं बिठा सकते। अरे रिकी कहाँ हो तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जाने मन देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। एक्सक्यूज मी। श्योर एक्सक्यूज। जया हमें कब एक्सक्यूज मी कहने का मौका दोगी? मुझसे राखी बंधवाने के बाद। मुझसे राखी तो मैं जरूर बंधवाऊंगा, लेकिन वहाँ। अब इस गुड़िया को छोड़ दो, इसे भी अपने साथ लेकर जाओगी क्या? चुप। ठीक ही तो कह रही है, कहीं ऐसा न हो तेरा गुटा तुझी को छोड़कर इस बेजान गुड़िया से सुहागरात मनाने लग जाए। नहीं नहीं, वो एक से नहीं दोनों के साथ मनाएगा। दीदी दीदी चली चलो बारात आ गई। चले चलो जल्दी चलो बारात आ गई। कमबख्त तू, अब आ रहा है? नहीं भी आता तो क्या फर्क पड़ता? अरे नाराज क्यों होता है यार, तू तो जानता है कि मैं हर शनिवार को। आदमी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, जवाब देना मुश्किल हो गया था हमें। एक्सक्यूज मी अंकल। नमस्ते अंकल। अंकल आपको पंडित जी बुला रहे हैं, मैं गुड़िया को लेकर आती हूँ। मैं आता दूंगा इसका फटाफट। अरे क्या हो गया है तुझे, ये क्या हालत बना रखी है? ओ लगता है सुहागरात का ख्वाब पहले से ही देख लिया है। चला तुझे फेरों के लिए तैयार कर देती हूँ। काक्षम मंगलाय तनोहरे स्वाहा गजानन भूतगणादि सेवितम कपत्तम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम प्रियनांत्वा प्रियपतिगुं हवामहे। अरे इसी तरह सारी रात हंसते रहोगे? तुम लोग तो कुंवारे हो, तुम्हारी तो शादी हुई नहीं,
लेकिन मेरे देवर की शादी हो चुकी है, अब इसे अकेला छोड़ दो। बुढ़िया उठो, आगे बढ़ो, आओ पीछे के दरवाजे से बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। देवर जी जरा आराम से, जल्दबाजी मत करना, चलो अंदर, चलो भी, अब जाओ भी। अरे अरे भाभी। सॉरी गुड़िया, तुम तो जानती हो शादी होने के बाद सारे दोस्त पार्टी के लिए घेर लेते हैं, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के आया हूं। आई एम वेरी सॉरी, अब तो घूंघटा उठा दो, अपना चांद सा मुखड़ा दिखा दो, शर्म आ रही है। मैं भी कितना पागल हूं, लो तो हम ही तुम्हारे इस खूंटे को उठा देते हैं। Please sit down.
अंकल, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ा ही अजीब कत्ल का केस लगता है। दूल्हे की लाश कमरे में पाई गई और दुल्हन की लाश सुहाग रात की सेठ से गायब हो गई। क्या आप तीनों में से कोई इस बात पर रोशनी डाल सकता है? बेटे रवि, गुड़िया की मौत के सदमे ने मेरी तो अकल ही मार दी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों कुछ बता सकते हैं? क्या बताऊं, मैं तो गुड़िया को अपनी बेटी के समान समझता था। मैंने कविता और गुड़िया में कभी कोई फर्क नहीं समझा। फर्क तो होता है विश्वंबर अंकल, वरना जितनी लेट आप गुड़िया की शादी में आए, क्या उतनी लेट आप अपनी बेटी की शादी में आते? खैर छोड़िए, गुड़िया का कत्ल एक राज जरूर बन के रह गया है। बड़ी भाग दौड़ के बाद उसकी लाश जरूर मिल गई है। कानूनन आप तीनों में से एक को लाश की शिनाख्त करनी होगी। जिस बेटी की ढोली इतने अरमानों से विदा की, उसकी लाश में कैसे देख सकता हूं मैं? नहीं नहीं, मैं उसकी लाश को नहीं देख सकता, मेरा दिल बहुत कमजोर है। मैं? यस सर। तोताराम। यस सर। इन्हें लाश की शिनाख्त के लिए ले जाओ। आइए, कर लीजिए लाश की शिनाख्त। हवलदार जी, एक बात पूछनी है। पूछिए पूछिए। ये मुर्दा घर में डर तो नहीं लगता? अब मुर्दों से क्या डरना। हाँ, लेकिन एक बात है। कौन सी बात? यही कि जिस मुर्दे की रूह बाहर नहीं निकलती है, वो कभी कभार उठकर चलने लगता है, और कुछ नहीं होता। चलने लगता? हाँ, और कभी कभी तो आदमी की गर्दन पकड़ लेता है। गर्दन पकड़ लेता है? और कभी कभी आदमी की गर्दन दबाकर उसे मार भी देता है, बस और कुछ नहीं होता। मार देता? चलिए चले। चलिए, पहले आप चलिए ना। ठीक ठीक है, पहले हम चलते हैं। आइए आइए। डरने की कोई बात नहीं, ये सब मुर्दे हैं। आइए देख लीजिए। तोताराम जी, जरा इधर आइए ना। मेरी हरी मिर्ची, अभी अभी आता हूँ तुझे खाने के लिए। सेठ जी, अभी आता हूँ। कहाँ थी तो इतने दिनों से? लगता है सेठ जी का किसी मुर्दे ने पकड़ लिया गला। मैं भी आया। क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ? हवलदार, मैंने यहाँ बहुत से मुर्दे देखे। अरे साहब, मुर्दा घर में मुर्दे नहीं देखेंगे तो आप कहाँ देखेंगे? चलिए चलिए, पूरी कर लीजिए आपकी शनाख्त। चलिए। गुड़िया बेटी, मेरी गुड़िया बेटी। बेटी। दादी, दादी। कुछ समझ में नहीं आता बेटी। जो लड़की इस उम्र में खिलौनों से खेलती थी, उस मासूम की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती? दादी, आप रवि को जोर क्यों नहीं देते कि वो जल्दी से जल्दी कातिलों को पकड़ने की कोशिश करे? बेटे, अगर कातिल पकड़ा भी गया तो हमारी मरी हुई गुड़िया जिंदा तो नहीं हो सकती। अब
पेट अंदर और सीना बाहर। अबे जय सिंह, ये बीच में ताने क्यों खड़ा है बे? जी। अबे बंबू नीचे रख। चल पीछे मुड़ जा। जी। अबे पीछे मुड़ जा, पलट पलट मुड़ जा पीछे। अबे मैं कुछ नहीं करूंगा बे। क्यों, पीछे मुड़ने से शर्माता है? अरे पीछे मुड़। अरे जय सिंह, तेरी तो पीछे से फटी है यार। जी। अबे सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। कमीज की बात कर रहा हूँ, कमीज। ये तेरी कमीज पीछे से फटी क्यों है? तेरी पुरानी कमीज है, तेरी नई कमीज कहाँ है बे? सर, मेरी पत्नी से गुम हो गई होगी। झूठ बोलते हो बदतमीज। मैंने तुम्हारे पड़ोसी को वो कमीज पहने हुए देखा है। शायद मेरी पत्नी ने उसको दे दी होगी। बहुत गलत बात है जय सिंह, बहुत गलत बात है। सरकारी चीजों का तुम्हें खुद ध्यान रखना चाहिए। बम बंदर अमरनाथ तुम्हारे नीचे के कहाँ हैं? जी नीचे। अबे मोजे की बात कर रहा हूँ, मोजे। ये गीले थे इसलिए नहीं पहने। गीले क्यों थे? ये कल रात की ड्यूटी थी, सुबह धोए थे, दिन की ड्यूटी अब हुई है। सर ये क्या हो रहा है तोताराम? इंस्पेक्शन सर, इंस्पेक्शन। तुमने अपनी पैंट देखी है? नाटक बंद करो। और ये बताओ कि पिछले एक हफ्ते में तुम कोई केस लाए हो? नहीं सर। एक बात कान खोल के सुन लो। जी। अगर तुम 24 घंटे में कोई केस नहीं लाए तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, समझे? गेट आउट। यस सर। गेट आउट। यस सर। साहब मुझे डिसमिस कर देंगे, केस नहीं मिला तो साहब मुझे डिसमिस कर देंगे। नहीं, केस मिलेगा, मैं केस ढूंढूंगा, फिर डिस हो जाएगा और मुझे मिस मिल जाएगी, फिर शादी, साहब मेरी शादी करवा देंगे। खड़ा हो जा। क्या कर रहा है यहाँ पे? सो रहा है हमारे राज में, तू यहाँ सो रहा है? चल खड़ा हो जा, खड़ा। मर गया, मेरे तूफान का मर्डर कर दिया, मेरे तूफान को कुचल डाला। हटो पीछे। केस, मर्डर केस। सबका नाम तो तेरा ताड़ी वाले, तूने मेरे। क्या कर रहा है बे? ऐसे बीच चौक में झुककर क्या कर रहा है? बिना डंडा खाए तेरे को चैन नहीं पड़ेगा। हाँ सामने से देख रहा था। क्या देख रहा था? चल हट, हट। देखना पुलिस का काम है, चलो हटो, हटो यहाँ से, हटो, हटो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा तूफान, तूफान, मेरी आँख का तारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा। चल आगे बोल दे। मेरा मुलगा। मुलगा? क्या उम्र क्या थी तेरे मुलगे की? 6 महीने। 6 महीने का मुर्गा यानी दफा 203। सर 302। हाँ दफा 302, जिसमें फांसी की सजा या उम्र कैद भी हो सकती है। किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? सर मैंने नहीं मारा, उस दाढ़ी वाले ने। दाढ़ी? इधर आओ, इधर आओ। ये कागजात शंभू की फाइल में डाल दो। मिल गया सर, मिल गया, केस मिल गया सर। अब आप मुझे डिसमिस मत कीजिएगा, डिस को हटाकर मुझे मिस दे दीजिएगा। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी। इस आदमी ने, इस बदमाश ने खुले बाजार में सबके सामने ले ली सर। व्हाट नॉनसेंस। जान 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 ले ली सर। इसने आव देखा न ताव, बस चढ़ा दिया अपना तोताराम। पहिया सर, पहिया। किस पर? बोल भाई बाप, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा तूफान मारा गया। इस दाढ़ी की गाड़ी आधी की तरह आई और मेरे तूफान को गुजर गई। कुछ मेरी भी तो सुनो साहब। शराब, शराब। जब दो आदमी आपस में एक दूसरे को दे रहे हो तो तीसरे को नहीं देनी चाहिए। स्टॉप इट। सलाह सर, सलाह। दो बड़े आदमी आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को अपने बीच में नहीं अड़ानी चाहिए। पहेलियां बुझाने की कोई जरूरत नहीं, साफ साफ बताओ केस क्या है। सर, इसका बेचारा तूफान रास्ता क्रॉस कर रहा था और इसने देखे ना समझे बगैर चढ़ा दी अपनी पद्मिनी। पद्मिनी? गाड़ी सर, गाड़ी। सर शराब। सर मैं आपने तो मरने वाला बेटा आपका था। हा? नहीं सर। शराब। बहुत चलने लगी है तेरी जबान, बंद कर तेरे मुंह का झोला। हाँ सर, मरने वाला तूफान इन्हीं का था, 6 महीने का छोटा बच्चा सर, अब उसने दुनिया भी क्या देखी। नहीं सर, वो मुर्गा नहीं, मुर्गा है। मुर्गा साहब, आपके लिए ये मुर्गा है लेकिन मेरे लिए ये मेरा बेटा है। आप इसे है। अरे सुनो तो, अपना बेटा ही सब। ना साहब क्या बोलते हैं? हाँ बोलो साहब। इसे तुम लेकर जाओ और सुनो, तुम इसका नुकसान भरो, ठीक है? समझे? निकलो, चलो निकलो यहाँ से। मुर्गा मुर्गा बोल के मुर्गा दिखा दिया, चलो निकलो। तोताराम। यस सर। कम हियर। आज तो ये केस लाए हैं आप?
क्या बताऊं सर, मुलगा मुलगा बोल के मुर्गा दिखा दिया। अब मेरे हेलो इंस्पेक्टर रवि हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर रवि बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब मैं आपका एएसआई बोल रहा हूँ, खेतवाड़ी में मर्डर हो गया है, प्लीज आप जल्दी चले आइए। मर्डर? मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। अरे बेटा बिना कुछ खाए जा रहे हो, नाश्ता तो करते जाओ। नहीं माँ, एक मर्डर हो गया और मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। अच्छा दूध तो पी लो। मैं बाद में पी लूंगा। खबरदार हिलना नहीं, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ।
पगली दीवानी से प्यार हो गया, कैसी पगली दीवानी से प्यार हो गया। अच्छा ऐसे ही आती रहना, दिल बहल जाता है। क्यों, रवि से तेरा दिल नहीं भरा क्या? बाय बाय। चोट तो नहीं आई जान? नहीं, नहीं। लेकिन हमें तो आई है, क्योंकि तुम सीढ़ियों पे नहीं, हमारे दिल की धड़कन पे चल रही थी। अरे कैसे छोड़ दूं, हाथ में आया हुआ खजाना कोई छोड़ता है क्या? हा? तुम ऐसे नहीं मानोगे। रेशमा, रेशमा क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सीढ़ियों से गिर रही थी खटाखट, मैंने इनको संभाल लिया फटाफट। ओ टेक केयर, ओके बाय। टेक केयर, क्या चीज है ये खटाखट। हेलो, कौन? बलदेव। हाँ जी चाचा जी। हाँ सुनो बेटे, मैंने कैलाश के घर फोन किया, कोई फोन उठा नहीं रहा है, हो सकता है फोन खराब हो। तुम एक काम करो, कैलाश के घर जाकर जया को बोल दो कि आज हम तीनों पार्टनर देर से आएंगे। हाँ जी चाचा जी, बोल दूंगा। सुनो, बोलो नहीं, जरा भी लापरवाही मत करना। हाँ चाचा जी, आपकी आज्ञा को मैं कैसे टाल सकता हूँ। मैडम मैंने खाना बना दिया है, बर्तन घिस दिए हैं, अब मैं जाऊं? ठीक है जाओ, लेकिन कल आ जाना। जी अच्छा। तुम? हाँ मैं। यहाँ क्या करने आए हो? मैं खटाखट अपनी प्यास बुझाने आया हूँ। बदतमीज, बिना इजाजत मेरे कमरे में आए कैसे तुम? अपनों से इजाजत थोड़ी मांगी जाती है, आ जा। छोड़ दो मुझे। छोड़ कैसे दूँ? औरत का काम है आजाद रहना और मर्द का काम है जकड़ते रहना। कैसे तू? अरे छोड़ूंगा तो खटाखट कौन करेगा? तुम
खटाखट 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 फटाफट 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 मैं शंभू बोल रहा हूं। हाँ कैलाश, बलदेव की मौत हो गई है। क्या? वो कैसे? ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके गले का मांस ही खा लिया हो। कैलाश, तुम सुन रहा ना? हाँ मैं सुन रहा हूं। तुमने पुलिस को फोन किया? हाँ कर दिया है। तुम भी फौरन यहीं चले आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। अंकल रोइए मत। कैसे न रो, अभी तो बुढ़िया का जख्म नहीं भरा, ऊपर से बलदेव का कत्ल। मैं जानता हूं अंकल, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने पार्टनर्स के साथ बैठकर ठंडे दिमाग से सोचिए कि कातिल कौन हो सकता है। हम तीनों के बिजनेस में तुम्हें कोई ऐसा आदमी लगता है जिस पे शक किया जा सके कि वो मेरा दुश्मन है? दिमाग पर जोर दो। बोलो कैलाश। मुझे नहीं मालूम। मैं क्या कह सकता हूं, मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है।
आओ विशंबर आओ, बैठो। मैं जानता हूं तुम जरूर आओगे, आज शनिवार है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा और तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। बाबा अब मुझे डर लगने लगा है। डर? बच्चा जब तक हम हैं तब तक तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। बाबा जो हो रहा है। बच्चा जो कुछ हो रहा है वो सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसलिए जैसा कहूँ वैसा करो। मगर बाबा। भम भैरवाय नमः। बच्चा हमारी आंखें सब कुछ देख रही हैं। तुम्हारे डैडी। डैडी? डैडी तो देर से आने वाले थे। मैं क्या करूं? तुम उस रवि के पीछे छुप जाओ। आज फिर से रही बेटा। हेलो कविता, कैसी हो? ठीक हो, आइए ना, आइए। लगता है घर में कोई नहीं है। जी हाँ कोई नहीं है, बैठिए ना। आई सी। विकी बाहर आ जाओ। है? ओ तू है, और तुझे पता कैसे चला कि मैं यहां पर हूं? आशिक माशूक के साथ दो जगह पर ही मिलता है, या तो सोफे के ऊपर या फिर उसके पीछे। ओ यार रवि, तुम पुलिस वालों को तो ऐसे ही सूंघने की आदत पड़ जाती है। जब तुझे पता था कि मैं यहाँ अपनी मंगेतर के साथ हूँ तो तू यहाँ से फूट क्यों नहीं गया? ओए समझा कर। अरे सॉरी रिकी, मैं विशंबर अंकल से मिलने आया था। आज शनिवार है और शनिवार के दिन डैडी मंदिर जाते हैं और रात को बहुत लेट आते हैं। और कुछ? ओ पुलिस वाले अब तो जा यहाँ से, जब देखो हाथ में डंडा लेके घूमता रहता है। अबे जा अपनी मंगेतर के पास और रोमांटिक लाइफ जी, और हमें भी जीने दे। You're absolutely correct, जियो और जीने दो। हाँ गुड लक। गुड लक। ऑल द बेस्ट। गया। नाराज हो गए? बिल्कुल। लेकिन ये नाराजगी खुशी में बदल सकती है अगर तुम ये पी जाओ तो। ये? हाँ। ओह दैट्स सिंपल। एक सांस में। ओके।
क्या बदतमीजी है? विकी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। I am sorry, अंकल। ये लो कैलाश, मेरे वसीयत के कागजात वकील को दे देना। शंभू, लगता है तुम सच में डर गए हो। सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही हुआ है। पहले गुड़िया का कत्ल, फिर बलदेव का। भगवान न करे अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो बच्चे तो सुखी रह सकते हैं। तुम भी कमाल करते हो शंभू। जो लोग जीते जी तुम्हारी बच्ची को मार गए, वो तुम्हारे मरने के बाद बच्चों को छोड़ेंगे क्या? ये गुड़िया बहुत पुरानी हो गई है, इसकी चाबी अपने आप ही चल देती। गुड आफ्टरनून डैडी। गुड आफ्टरनून अंकल। गुड आफ्टरनून बेटे। शंभू, तुम्हारा ये राजू बहुत प्यारा है। थैंक यू अंकल। डैडी, हमारे स्कूल में टॉय कंपटीशन है, जिसकी भी गुड़िया अच्छा खेल दिखाएगी उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। डैडी, मैं बड़ी दीदी की गुड़िया ले जाऊं? बेटे, ये गुड़िया तो बहुत पुरानी हो गई है, और फिर इसके साथ तुम्हारी बड़ी बहन की यादें भी तो जुड़ी है ना। डैडी, नवी गुड़िया में ऐसी आवाज कहाँ है? और फिर आजकल ऐसी गुड़िया मिलती नहीं है। डैडी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं गुड़िया का खेल दिखा के जरूर फर्स्ट प्राइज लेके आऊंगा। शंभू, राजू ठीक कह रहा है, ये गुड़िया बिल्कुल अलग ही खेल दिखाएगी। रहा टूटने का डर, तो तुम साथ में चले जाना। अंकल, यू आर ग्रेट। गॉड इज ग्रेट बेटे। हेलो अंकल। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? भाई कैलाश, ये वसीयत के कागजात अभी वकील को पहुंचा देना। हाँ, तुम इसकी चिंता मत कर। ओके, बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बाय अंकल। ओवर। ओके, गुड। कबाड़ी का माल है, ले जा ले जा। पॉकेट का माल है क्या?
यह हादसा हुआ कैसे? इंस्पेक्टर साहब, हमारी समझ से तो बाहर है। गुड़िया ने डांस नहीं किया, राजू के पिता ने उसे गुस्से में फेंक दिया। उसके बाद गुड़िया में से जहरीली गैस निकली, बच्चों में भागदौड़ मची, राजू और राजू के डैडी की मृत्यु हो गई। यह हादसा हुआ कहाँ? ऊपर क्लासरूम में। तोताराम, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके। आई एम सॉरी। आप और आप भी मेरे साथ ऊपर आइए। चलो पब्लिक, पीछे हटो 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 हटो। चल भाई, ले ले इन लोगों की भी, स्ट्रेचर पे लाशें। चल 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 चल। अरे यार पीछे जाओ। कौन सी है वो गुड़िया? वो तो यह नहीं है। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? आप कैसे जानते हैं कि वो गुड़िया यहां नहीं है? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, वो गुड़िया इनमें नहीं है। आप नीचे चलिए, आप लोग भी नीचे चलिए, मैं इनसे बात करना चाहता हूं। आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो गुड़िया इनमें नहीं? क्योंकि उस गुड़िया को मैं सालों से जानता हूं। वो कैसे? ये क्या, मैं भी उस गुड़िया को अच्छी तरह पहचानता हूं। शंभू की बेटी शादी से पहले तक उस गुड़िया से खेला करती थी। ओ आई सी, इसका मतलब गुड़िया की पुरानी पहचान ने राजू और शंभू का काम तमाम कर दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि दोनों ने मिलकर एक की फैमिली को रास्ते से हटा दिया। क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि उस फैमिली की बची हुई रेशमा, उसका कत्ल कब होगा? रवि, अब तुम अपनी औकात से बढ़कर बात कर रहे हो। लगता है आपको मेरी बात बहुत चुभी है। तो क्या आप? रवि, आप दोनों ने कत्ल नहीं किया, आप दोनों कातिल को जानते नहीं। क्या आपको किसी पर शक है कि कातिल है कौन? यह जानना पुलिस का काम है। डोंट वरी, पुलिस बहुत जल्द जान जाएगी कि कातिल कौन है। अच्छा रेशमा, एक बात तो बताओ, तुम्हारे डैडी उनके पार्टनर्स में कोई पार्टनरशिप डीड तो होगी? हाँ है। उसे ले आओ। वो तो वकील अंकल के पास है। मरने से पहले तुम्हारे डैडी ने कोई वसीयत तो की होगी? हाँ की थी। तो इसे ले आओ। मगर वो तो डैडी ने कैलाश अंकल को दी थी। कब? मरने से एक दिन पहले। क्यों? वकील अंकल को देने के लिए। कौन है तुम्हारा वकील? जी हाँ, मैं ही उनका वकील हूँ, और मैंने ही मिस्टर कैलाश, विशंबर और शंभू की पार्टनरशिप डीड भी बनाई थी। उस डीड में कोई खास पॉइंट? एक है, तीनों ही बिजनेस में बराबर के हिस्सेदार हैं और तीनों ही पुराने दोस्त हैं, इसलिए तीनों ने मिलकर एक ऐसा क्लॉज बनवाया था कि अगर इन तीनों में से किसी भी एक की मौत हो जाए तो बाकी के दोनों मिलकर उसके परिवार की परवरिश करेंगे। वकील साहब, अगर किसी पार्टनर का इंतकाल हो जाए और उनकी औलाद, मेरा मतलब है उनकी बेटी या उनका दामाद, बिजनेस संभालने के काबिल हो, तो क्या वो उनकी जगह ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। मगर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि पहले शंभू साहब की बेटी और दामाद का कत्ल हुआ, और उसके बाद उनका खुद, और फिर उनके बेटे राजू का। इंस्पेक्टर साहब, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मिस्टर विशंबर और कैलाश ने दौलत की खातिर मिस्टर शंभू का कत्ल कर दिया? ये मैं नहीं, आप कह रहे हैं वकील साहब। हर एक सवाल और पूछना चाहता हूं। पूछिए। सुना है शंभू साहब ने अपनी वसीयत अपने बच्चों के नाम लिख दी थी? जी हाँ, मैंने तो उस वसीयत का ड्राफ्ट बनाया था। क्या वो वसीयत मैं देख सकता हूं? मगर वो तो मैंने मिस्टर शंभू के पास साइन करने के लिए भेज दी थी। क्या वो आप तक नहीं पहुंची? नहीं तो। क्या मिस्टर कैलाश ने उस वसीयत को आप तक नहीं पहुंचाया? जी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि वसीयत के कागजात मैंने शंभू को लौटा दिए थे। इसलिए लौटा दिए गए थे क्योंकि दूसरे दिन शंभू अंकल का कत्ल हो जाएगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शंभू की मौत की तारीख मैंने लिखी हो। कभी कभी मुजरिम सच कहने लगता है। रवि, चिल्लाइए मत मिस्टर कैलाश, पहले तुमने शंभू अंकल का कत्ल कर दिया और उसके बाद वसीयत के कागजात गायब कर दिए।
इस जुर्म के लिए कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, समझे? हेलो हेलो पीशंबर। हाँ कैलाश बोलो। लगता है कि रवि को मुझ पर शक हो गया है। वो मुझसे पूछ रहा है कि शम्मू की मौत कैसे हुई। अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, अपने दिल से पूछो। हा? कैलाश अरे बोल भाई, चुप क्यों हो गया कैलाश? भीशंबर क्या बात है भाई? भीशंबर मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। इस हड़बड़ाहट में तू भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा, जरा सी बात में घबरा जाता है। भीशंबर तू ही बता कि मैं करूं क्या। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, काम की बात सुनो। मैंने जया बेटी के लिए लड़का देखा है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? शंभू और उसके बेटे को गुजरे दिन ही कितने हुए हैं। तू उसकी चिंता क्यों करता है? मैंने लड़के के घर वालों से बात कर ली है, शादी मंदिर में होगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अच्छा भीशंबर, मेरे भाई तुम्हारे ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अबे रहने दे, काय का एहसान? तेरी और मेरी बेटी में कोई फर्क है? हाँ तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द शादी की तारीख निकलवाता हूं। बस एक तू ही तो है जो मेरी हर मुश्किल आसान कर देता। अबे रहने दे, तुझसे जैसा कहा है ना तू बिल्कुल वैसा कर, जा। ठीक है मैं चलता हूं। सर्वज्ञो गणनायक सर्व सिद्धि करो सेवा गौरे पुत्र विनायक वर वधु एक दूसरे गले में माला पहनाइए। ओम ब्रह्मा मुरारे स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। शादी मुबारक हो, अब अपने माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए। ओम शांति शांति हरिओम। पहले इनसे आशीर्वाद लो, जो भी तुम आज हो इन्हीं के बदौलत हो। जाओ आओ बेटे, जीते रहो। बहुत मुबारक हूं, मैंने अपना जुबली हिल वाला बंगला सजा दिया है, तुम दोनों जब तक चाहो वहां रह सकते हो। ये लो, नई जिंदगी के नए सफर के लिए नई गाड़ी मेरी तरफ से। चलो बेटे आओ। अरे पगली, वो तो बंदर था। वजह मुझ पर शक किए जा रहे हो। हत्यारे ने नाजायज फायदा उठाकर मेरी बेटी का खून कर दिया और तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरी मदद करो प्लीज रवि, मेरी मदद करो। मिस्टर कैलाश, मैं इन्हीं उलझी हुई कड़ियों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारी ये कड़ियां कब सुलझेंगी, जब मेरा भी कत्ल हो जाएगा? वैसे मिस्टर कैलाश, अब आप ही की बारी है। ये क्या कह रहे हो तुम? कत्लों को सिलसिलेवार अगर देखा जाए तो ऐसा ही हुआ है। पहले गुड़िया का कत्ल हुआ, उसके बाद शंभू अंकल और राजू का, और इसी तरह पहले जया का, और अब आखिर ये सब कर कौन रहा है? स्वार्थ, लालच। मैं कुछ समझा नहीं। बड़ी सीधी सी बात है, शंभू अंकल के कत्ल के बाद सारा कारोबार आपका और विषम अंकल का हो गया। भगवान ना करे अगर कल आपको कुछ हो जाए तो सारे कारोबार का अकेला वारिस कौन होगा? पीशंबर, इतना सब कुछ जानने के बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कातिल कौन है? जितना आप पीशंबर को जानते हैं मैं नहीं। क्या आप मुझे इतना बता सकते हैं कि पीशंबर हर शनिवार कहां जाता है?
भगवान के मंदिर में। कौन से मंदिर में? वो मैं नहीं जानता। कमाल के पार्टनर हैं आप, पार्टनर्स तो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। रवि, हम बिजनेस पार्टनर हैं और एक दूसरे की निजी जिंदगी में कभी दखल नहीं देते। तो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आप जा सकते हैं। जरा ठहरिए। पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते मैं आपको एक सलाह देता हूं, जरा सावधान रहिएगा। और हां, आपकी हिफाजत के लिए मैं आपको दो सिपाही दे सकता हूं। नो थैंक्स। मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर रवि और कैलाश को मुझ पर शक हो गया है। रवि और कैलाश मूर्ख है, वो तंत्र मंत्र की बातें क्या जाने। एक बात समझ लो विशंभर, जब कोई सिद्धि पूरी होने को आती है तो अंतिम दिनों में ऐसे ही हालात पैदा हो जाते हैं। बाबा, क्या वो सिद्धि पूर्ण हो गई? अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और डर नाम की चीज तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब तुम जाओ। जो आ गया बाबा। कल्याण। ये लाइट्स कैसे जल रही हैं? हेलो 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 हेलो, मैं कैलाश बोल रहा हूं। कैलाश अंकल, मैं रवि बोल रहा हूं। रवि, आप मुझे बता सकते हैं अभी कौन लड़की फोन पे बात कर रही थी? लड़की? हेलो, यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। मैं अभी अभी आया हूँ। ये मैंने किसको मार दिया? Oh!
कविता? हाँ मैं कविता बोल रही हूँ। हेलो हेलो, ये लाची रवि का फोन है। वो कमबख्त रवि। ओ यार रवि, तू हर शनिवार को शनि बनकर मेरे और कविता के बीच में क्यों टपक पड़ता है? कुछ तो ख्याल किया कर। विकी, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे ये बता, विश्वंबर अंकल हैं कहाँ? अरे तुझे कितनी बार बता चुका हूँ कि शनिवार को मेरे ससुर जी शनि की पूजा करने जाते हैं और इस दिन मैं अपनी देवी को प्रसन्न करता हूँ। समझ गया, बाय। कोशिश कोशिश कोशिश, एक एक करके नौ कत्ल हो चुके हैं। ये सभी अखबार वाले, टीवी वाले पुलिस को गालियां दे रहे हैं। पूरे शहर में प्लेग की बीमारी की तरह अफवाहें फैल रही हैं। हर एक जुबान पर इन्हीं कत्लों की चर्चा है और तुम कहते हो कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूं। सर, एक आदमी मेरे शक के घेरे में आ गया है। मैं बहुत जल्द इस शक को यकीन में बदल दूंगा। कब बदलोगे? जब मेरे, तुम्हारे और सारे पुलिस डिपार्टमेंट के चेहरे पर बदनामी का दाग लग चुका होगा। नो सर, सबूत मेरे हाथ लग चुका है। मुझे पूरा यकीन है मैं मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देता हूं। जी, अगर फिर भी मुजरिम ना पकड़ा गया तो शायद यह केस तुमसे वापस लेना पड़े। मैं समझता हूं सर, आई शुड नॉट डिसअपॉइंट यू। देन डू समथिंग, यू मे गो नाउ। सर, क्या बात है बेटे, परेशान हो? हाँ माँ। सर में दर्द है? दिल भी घबरा रहा है? हाँ। अच्छा तो बैठ, मैं अभी आती हूँ डॉक्टर को लेके। अरे नहीं माँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा माँ। नहीं नहीं बेटा, तो बैठ, मैं अभी आती हूँ। अरे माँ, अरे रेशमा तुम? शुक्र है जनाब ने पहचाना तो सही। आई एम सॉरी, पिछले दिनों ड्यूटी के सिलसिले में बिजी रहा, तुमसे मिल नहीं सका। देखा बेटे, तेरे लिए डॉक्टर की बजाय डॉक्टर नहीं ले आई हूँ। अब तो तेरी परेशानी दूर हो गई ना। तुझे तो ड्यूटी के चक्कर में ये भी याद नहीं रहता कि तेरी होने वाली पत्नी अकेली रहती है। माँ, पिछले दिनों इतनी घटनाएं घटती चली गई, बहुत मसरूफ हो गया था, सोचने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैं तो माँ हूँ, मैं भला ये कैसे भूल सकती हूँ। बस अब जल्दी ही कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालकर तुम दोनों की शादी कर दूंगी। वो तो करनी पड़ेगी माँ, क्योंकि तुम घर में अकेली जो रहती हो। तू मेरी छोड़, अपने दिल की बात कर, मैं सब समझती हूँ। रेशमा से तो पूछ लो। इससे क्या पूछना, शादी के नाम पर तो इसके दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। क्यों? रवि, मैंने भयानक सपना देखा। क्या? उस सपने में वो शैतान तुम्हें चांद से मार डाला। हाँ। है ना? हाँ, रवि। अरे पगली,
ऐसे सपने तो बार बार आने चाहिए। कहते हैं जब सपने में कोई मर जाता है ना तो उसकी उम्र बहुत लंबी हो जाती है। हम तो अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि अपने पोतों को भी गोद में खिलाकर मरेंगे। विशंभर, आज तुम्हारे माथे पे उज्जवल भविष्य की रेखाएं कम और समस्या, डर और उलझनों की परतें ज्यादा नजर आती हैं। पता नहीं बाबा, डर मेरे मन पर अपना फन फैला रहा है। डर? इसका मतलब तुम्हें पे भरोसा नहीं? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। तो फिर कहो ना, क्या कहना चाहते हो? बाबा, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। बाबा, आजकल की पीढ़ी बहुत ही मॉडर्न और आजाद ख्याल की हो गई है। वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करती है। बाबा, अब मेरी बेटी भी बालिग हो गई है। इससे पहले कि उसके कदम बहकें, सारे जमाने में मेरी बदनामी और रुसवाई हो, बेहतर यही होगा कि उसकी बेटी की शादी कर दी जाए। हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक समझे, इसीलिए आपके पास आया हूं। विशंभर, तुम भी कान खोलकर ध्यान से सुन लो। अब अपनी बेटी की शादी बगैर किसी संकोच और खौफ के कर डालो। जाओ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जो आ गया। ठहरो, ओम औगढ़ दे दो। ओम शांति शांति। जहां भी अपनी बेटी की शादी करना मुझे इत्तला कर देना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे आने में देर हो जाए तो यह ओम दुल्हा दुल्हन के कमरे की खिड़की दरवाजों पर लगा देना। बदरू तो क्या, शैतान की रूह भी नहीं फटकेगी। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपने उस दिन कैलाश के घर में जो कुछ भी पकड़ा था ना, कैमरा? सर कैमरा उसकी आ गई है। क्या? तस्वीर है सर, तस्वीर। तस्वीरें? ओह, हेलो, पुलिस स्टेशन। यस, हवालदार तो था हियर। रवि साहब हैं? हाँ है ना। किसका है? आपका है सर, पकड़िए। हेलो, मैं सीआईडी डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर राजेश बोल रहा हूँ। कहो। रवि साहब, मिस्टर विशंभर अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं। ठीक है, तुम उस पर कड़ी नजर रखो, मैं जल्दी मुजरिम को पकड़ने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओके। सर, मैं भी आपके साथ पकड़ने चलूँ? जी नहीं। ओके सर, ओके। अब कितना मुश्किल है अकेले पकड़ना खतरनाक मुजरिम को। सदा सुखी रहो एकी बेटे, जितनी खुशी तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा करने में हुई थी, आज उससे ज्यादा खुशी तुम्हें अपना दामाद बनाने में हुई है। ये तो आपका बड़प्पन है अंकल, क्या आपने मुझे इस लायक समझा? बेटे, तुम दोनों ये अच्छी तरह जानते हो कि मेरे दोस्त शंभू और कैलाश ने अपनी बेटियों की शादियां की, मगर उनकी बेटियों और दामादों के साथ साथ उनकी भी हत्या हो गई। मगर ऐसा क्यों हुआ डैडी? क्योंकि एक भटकती हुई रूह हथियारन बनकर उनका पीछा कर रही थी, वो तुम पर भी हमला करने की कोशिश करेगी। पर घबराओ मत बच्चों, उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। ओ ऐसे, मगर आप उसके हमले को नाकाम कैसे करेंगे? अपने तंत्र बाबा की शक्ति से। इसीलिए मैंने तुम दोनों की शादी के लिए शहर से बाहर ये बंगला चुना है। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, अब कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटेगी। जाओ बच्चों, जाओ ऊपर वाले कमरे में आराम करो। जाओ जी। आओ कविता। गोपी जी। हुजूर, तुमने तांत्रिक बाबा को यहां का पता ठीक से समझा दिया था? जी हुजूर, समझा दिया था, थोड़ी देर में आते होंगे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे इंस्पेक्टर, वरना वहां सब कुछ खत्म हो जाएगा, उन पर आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर बंद करो अपनी बकवास, तुम ही कत्लो गारत की जड़ हो। जब तक तुम इन सलाखों के पीछे बंद रहोगे एक भी कत्ल नहीं होगा, समझे? इंस्पेक्टर, ये तंत्र मंत्र की बातें हैं, आप और आपका कानून इन्हें नहीं समझता। मैं बता देता हूँ, ये सिद्धि का काम है जिससे कि भूत प्रेत वश में की जाते हैं। इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दो, वरना विशंभर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, और जिसके जिम्मेदार तुम होगे इंस्पेक्टर। अब शट अप, कर दो बंद, कड़ी निगरानी रखो इस पे। यस सर।
इंस्पेक्टर, मुझ पर विश्वास करो इंस्पेक्टर। क्या बात है बाबा, अब तक नहीं आए? ये ओम सारे दरवाजों पर लटका, तो जल्दी करो। जी अच्छा। चांसा है और तुमने चांद से मुकरे पर दाग लगा दिया। आज हमें कुछ भी करने से मत रखो जाने वाले। पहले गुड़िया गई, फिर बलदेव, फिर राजू, फिर शंभू, फिर जया, फिर कैलाश। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। रवि बेटा, रवि बेटा, उसने मेरी बेटी को मार दिया, उसने मेरी कविता को मार दिया। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, वो मुझे भी मार देगी। सर लगता है ये पागल हो गया है। एक्टिंग करता है साला, मेरा यकीन करो मैं पागल ले गया उसे। मैं पागल नहीं हूं, देख लूंगा। मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूं, मेरी बेटी मर गई। डॉक्टर साहब, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूं। गिव हिम ग्लूकोज। ओके सर। चोक नस, तुम मरीज का ख्याल रखना। डॉक्टर? यस yes? बेटी का अचानक मौत से उनके दिलो दिमाग पर बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। आई सी। अभी इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। क्या मैं इसका बयान ले सकता हूं? सॉरी सर, इस वक्त तो होश में नहीं है। हवलदार? यस सर। जब इसे होश आ जाए मुझे खबर कर देना। ओके सर। लगता है कविता और उसके पति की मौत हो गई है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। और अब विशंभर की मौत होगी। उसे सिवाय मेरे और कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर, कौन मारेगा उसे? तुम तो तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं रखते। एक विचलित आत्मा, एक भटकी हुई रूह उसका पीछा कर रही है। रूह? आत्मा? किसकी आत्मा? ये तो विशंबर ही बता सकता है। हाँ, अगर वो जिंदा रहा तो। तुमने बहुत देर कर दी इंस्पेक्टर। अगर मेरा कहना माना होता तो मेरा अभी कहना मानो। ठीक है, आओ मेरे साथ। Thank you.
गाड़ी रखी आपके पीछे। डॉक्टर, मैं पागल नहीं हूं। डॉक्टर शट अप। हमने एक दूसरे से मोहब्बत की है, प्यार किया है रेशमा, बड़ों के आशीर्वाद से हमारी सगाई भी हुई है, पर सगाई की मंजिल होती है शादी। हाँ शादी होती है मगर बर्बादी नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो हमारे खानदान में जिस जिस लड़की की भी शादी हुई है सिर्फ उन्हीं की मौत नहीं हुई बल्कि उनके साथ साथ उनके सुहागों की भी। रेशमा तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती तुम मौत से डरती हो? हाँ हाँ डर लगता है, अपनी मौत से नहीं तुम्हारी मौत से। तुम्हारी जिद के लिए मैं एक विधवा माँ की लाठी नहीं छीन सकती। रेशमा माँ जी, ये तुम दोनों में क्या झगड़ा हो रहा है? देखिए ना माँ जी, रवि शादी के लिए जिद कर रहा है। शादी जिद नहीं होती बेटी, एक सपना होता है, एक बेटे का सपना, एक माँ का सपना। क्या तुम मेरा सपना पूरा नहीं करोगी? मगर इस सपने की हकीकत कितनी भयानक है माँ जी, ये आप अच्छी तरह से जानती है। मेरे सामने मेरा सारा खानदान खत्म हो गया, कैलाश अंकल का हुआ और अब विशंबर अंकल के साथ साथ सब कुछ खत्म हो गया। मैं जानती हूँ कि अब मेरी पारी है, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मगर अब जानबूझकर अपनी कोख क्यों उजाड़ना चाहती है? लड़का माँ का गौरव होता है बेटी, मुझे फख्र है अपने बेटे पर जो अपनी जान हथेली पर रखकर तुमसे शादी करना चाहता है। माँ तूने मेरा सर शान से ऊंचा कर दिया है, तू महान है। आज आज मैं अपना सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि मैंने एक शेरनी का दूध पिया है, मगर माँ तेरी जैसी हिम्मत इसमें क्यों है? ऐसा मत कहो रवि, अगर मैं तुम्हारे लिए जी सकती हूँ तो मर भी सकती हूँ। तो फिर शादी के लिए हाँ कह दो। ठीक है। ओम तदेव लग्नम सूचिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम च विद्याबलम देवबलम च देव लक्ष्मीपतेन्द्र सुकृतम करामी सुमुहूर्तम शुभ लग्नम क्षेम कल्याणम शुभ करामी। माता जी का आशीर्वाद लीजिए। जुग जुग जियो बेटा, सदा सुहागन रहो। बेटा तुम दोनों अपने कमरे में जाके आराम करो। अच्छा माँ, जाओ बच्चा निश्चिंत। Oh, my God.
वो मैं हिम हिम चामुंडा चैन आओ मेरे साथ। चलो बाबा जल्दी करो। शु सर्वदाऊं
दूसरों का खून पीने वाली हत्यारिन, अब मैं तुझे किसी का भी खून नहीं पीने दूंगा। तांत्रिक, तू मेरी ताकत को नहीं जानता। एक बार मुझे खोल कर देख, अगर मैंने तेरा खूनी कमलाक को नहीं चला दिया तो मेरा नाम भी नंदिता नहीं। अच्छा, तो तेरा नाम नंदिता है। हत्यारिन, तू लड़की होकर लड़कियों की हत्या करती है। आज तुझे बताना होगा कि तू लड़कियों के साथ साथ उनके पूरे खानदान को क्यों तबाह करती है। नहीं, नहीं। बता बता, वरना ये भभूत मारकर मैं तुझे अभी भस्म करता हूं। नहीं, नहीं। बताती हूं, बताती हूं। मेरे पिता के देहांत हो जाने के बाद मैं कंपनी की इकलौती मालकिन बन गई। शंभू, कैलाश और विशंभर मेरे यहां काम करते थे। मुझे बेसहारा लड़की जानकर वो तीनों एक हो गए। उन कमीने बेईमानों ने मिलकर लाखों का घफला करना शुरू कर दिया। तब मैं परेशान हो गई। मैंने सोचा अपने मंगेतर अरुण के साथ शादी करके मैं कंपनी का सारा काम उसे सौंप दूं। जब मेरी शादी हो गई तो उन तीनों ने हमें उठवा लिया। नहीं नहीं, भगवान के लिए, भगवान के लिए मेरे अरुण को छोड़ दो। मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूँ। दौलत? दौलत तो लड़की तू अपने आप देख। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं नंदिता। ये तांत्रिक और ये राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खामोश मूर्ख, कमला को चुनौती देता है। चबूस की नारा बासा भो भो, अब देख मेरी ताकत। अब ये लड़की मेरे बस में है, इसे जो करवाना चाहो करवा लो। अब हम नंदिता की सारी दौलत के मालिक बन गए। अब आज्ञा दे गुरुदेव, हम आपको क्या गुरुदक्षिणा दें? गुरुदक्षिणा? ये दो लाशें ही हमारे लिए गुरुदक्षिणा है। जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दिलीप बा कुकू बखारा कुकू बहा, दिलीप बा लड़की, मुझे मारकर तू अकेली भटकती रहेगी, क्योंकि तेरे पति की रूह को मैंने ही कैद कर रखा है। उसे मैं ही आजाद कर सकता था, अब तू उससे कभी नहीं मिल सकती। नहीं नहीं, तुम्हें मेरे अरुण की रूह को आजाद करना ही पड़ेगा। तुझे तेरे अरुण को पाने के लिए चार शादीशुदा लड़कियों का रक्त मिलाना होगा, जिनका कुमारी भंग न हुआ हो। नहीं तो तुझे तेरा अरुण कभी नहीं मिलेगा। ये खंजर तो तेरे पास है, तू इससे जैसा चाहेगी वैसा कर सकेगी। अब मैं जा रहा हूं और अपने अरुण को पाने के लिए मुझे रक्त मिलाती रहना। बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया, तब मैंने ये प्रण किया कि क्यों ना इन्हीं तीनों बदमाशों की शादीशुदा कुंवारी बेटियों का खून
कमला को देकर इसे फिर से जिंदा करूं और अपने अरुण की कैद रूह को पालू। नंदिता, भटकी हुई रूह को कभी मुक्ति नहीं मिलती। तूने उस तांत्रिक का सहारा लिया जो अपने फायदे के लिए दूसरों का कत्ल कर देते हैं। सच्ची तांत्रिक विद्या वो है जो दूसरों का कल्याण करे। इसलिए मैं इस दुराचारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं तांत्रिक, नहीं, इतने कठोर मत बनो, मुझ पर दया करो। तुझे हत्यारिन पर दया करूं जिसने उन मासूम लड़कियों के साथ उनके सुहाग को खत्म कर डाला और सोके और जात पे जुल्म किया। तेरा बदला सिर्फ शंभू, कैलाश और विशंबर से था, फिर तूने उन मासूम बेटियों को क्यों मार डाला? अपने अरुण को पाने के लिए और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर अगर तुम मुझे मेरा अरुण दे दो तो मैं इस लड़की को माफ कर दूंगी। मूर्ख लड़की, जो मर गया वो कभी लौट नहीं सकता। कमलाश ने तुझे अपने स्वार्थ के लिए गलत रास्ता दिखाया, अब देख मैं उसे कैसे भस्म करता हूँ। नहीं नहीं तांत्रिक, तुम मेरी आशा पर पानी मत फेरो। नहीं नहीं तांत्रिक, ये इसी का भी नहीं।
यहां तो कोई भी नहीं रही। घबराओ मत रवि बाबा। लेकिन लेकिन वो हत्यारन वो शैतानी रूह अब मुक्त हो गई है। अब वो अगले जन्म में अपने प्रेमी से वैसे ही मिलेगी जैसे तुम दोनों एक दूसरे को जन्म जन्मांतर तक मिलते रहोगे। पगली दीवानी से प्यार हो गया कैसी पगली।